in Pakistan and abroad where they are listening. We are here again with the next episode of Jama Poonji. हम Jama Poonji के अगले प्रोग्राम के साथ आए हैं और आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी यूथ के लिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स से रिलेटेड आइडियाज को डिस्कस करेगा. SECP इस सिलसिले में क्या कर रहा है, इसके लिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में मिस आमना अजीज को, जो कि डायरेक्टर लैंडिंग और प्राइवेट फंड्स हैं. शी इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, नियरली अबाउट 3 decades इन बैंकिंग सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर एज वेल. फॉर द लास्ट 2 decades ऑलमोस्ट शी इज बीन एसोसिएटेड विद SECP. बहुत सारा काम किया, मॉनिटरिंग की साइड पे रही हैं, सर्वेलेंस देखती रही हैं, रेगुलेशंस पे बहुत अच्छी कमांड है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर इनका बहुत अबूर हासिल है. तो हमें लगा कि इनसे अच्छी कोई मार्केट में हमारे पास रिसोर्स नहीं होंगे जो हमें आज इस टॉपिक के ऊपर बता सके. सो वेलकम आमना, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई होप के वी कैन शेयर समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल आवर ऑडियंस. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. हमें आपको बुलाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग करते हो SECP के अंदर, मगर अमूमन वो लोगों को समझ नहीं आती. तो हम ये चाहते हैं जमा पूंजी के फोरम से कि आसान जबान में, मुझे कहते हैं ना आसान भाषा में, लोगों को बताया जाए कि ये है क्या. टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप क्योंकि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की कन्वीनर भी हैं और आप उसको हेड कर रही हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, क्या फायदे हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसका कॉन्सेप्ट है क्या. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बेसिकली एक रेगुलेटरी टूल है. इट इज बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय रेगुलेटर्स. इट बेसिकली फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ फिनटेक्स एंड स्टार्टअप्स इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. अच्छा, फिर सवाल ये होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं क्या. एग्जैक्टली. सो फाइनेंशियल सर्विसेज ये हैं जो SECP की डोमेन में जो फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, वो इंश्योरेंस हैं. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस अंडरराइटिंग है या इंश्योरेंस ब्रोकरेज है. देन वी हैव द सिक्योरिटीज मार्केट, द कैपिटल मार्केट, जिसमें इंश्योरेंस ब्रोकर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आ जाते हैं. देन वी हैव द फंड मैनेजमेंट साइड, जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं. तो ये वर्ड है सैंड बॉक्स, इससे क्या मतलब बनता है. टेस्टिंग के लिए है ये. जी बिल्कुल. एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, मट्टी का घरौंदा बनाते हैं. Exactly. फिर अगर ठीक बन गया तो अगर हम एक मॉन्टेसरी को इमेजिन करें, तो मॉन्टेसरीज में बच्चे बैठे होते हैं सैंड में, वो एक सैंड बॉक्स होता है जिसमें वो बैठे होते हैं, वो बिल्ड करते हैं चीजें, उनको गिराते हैं मॉडल बनाकर और मॉडल बनाते हैं. सो इसी तरह टेक्नोलॉजी की जो रैपिड इनोवेशन है और जो चेंज है, उस वो टेक्नोलॉजी फिट इन कैसे होगी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज में. Okay. उसके लिए वी नीड टू बिल्ड एंड सी हाउ थिंग्स वर्क. सो एंड क्योंकि जो रेगुलेशंस बनी हैं एंड विद द पेस ऑफ इनोवेशन दैट इज हैपनिंग नाउ, रेगुलेटरी स्पेस कैन नॉट बी इन पेस विद द चेंज एंड इनोवेशन दैट देयर इज. सो व्हाट वी सी इज, व्हाट वी वांट टू सी इज वेदर आर रेगुलेटरी स्पेस या आर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज इनहिबिटिंग दोज इनोवेटिव आइडियाज. So it's a very flexible approach के जो नए ideas इस वक्त market में आ रहे हैं, current regulatory framework अगर उनको cater नहीं कर रहा, तो आप एक model को test करके उसको उसके साथ plug in कर सकते हैं. बिल्कुल right, you're very right. एक और dimension उसकी ये है कि although ease create कर रही है innovation, बट उसके साथ साथ कंज्यूमर को रिस्क भी हो रहा है, चैलेंजेस भी हैं. रिस्क एंड चैलेंजेस को भी हमने देखना है. सो जब टेस्ट करते हैं सैंडबॉक्स में, टेस्ट किया जाता है अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेज, उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं. तो आप ये कह रही हैं एसेंशियली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रही हैं कि कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि अभी करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कहीं फिट इन नहीं हो पा रहा, उसको आप एक लैब में ले आए हैं, लेबोरेटरी के अंदर, उसको आप 6-8 महीने टेस्ट करेंगे और अगर वो ठीक काम करेगा तो फिर आप उसके साथ उसको बाकायदा लाइसेंस देके उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे. बिल्कुल मर्तजा, यू आर वेरी राइट. थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि ये एक लाइसेंस नहीं है. ओके. इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, यू आर देयर टू टेस्ट दैट प्रोडक्ट. सो इट इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड परमिशन दैट SECP गिव्स. देन अगेन वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ फ्रॉम द इनक्यूबेटर्स. इनक्यूबेटर्स में आइडिया लेके बच्चे या प्रोफेशनल्स आते हैं. यहाँ वो आइडिया टू सम एक्सटेंट क्रिस्टलाइज हो गया होता है इन बिजनेस मॉडल, मैच्योर हो रहा होता है. जी, बिजनेस मॉडल की तरफ वो जा रहा होता है, उसके पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके थ्रू उसने वो इम्प्लीमेंट करना होता है आइडिया. द
The next stage of after that IT infrastructure is to see where it fits in the regulatory framework. Wonderful. अच्छा ये तो बात समझ में आ गई कि ये एक अच्छा टेस्टिंग का एक ग्राउंड है जिसपे आइडियाज टेस्ट हो जाते हैं और टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट फेज में मूव होते हैं. SECP एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है. What was the motivation? आप लोगों की क्या मोटिवेशन थी कि यार हमें ये करना चाहिए? आपका काम तो ये भाई रूल बना दिए, कंपनी बना दी, कंपनी चलाओ, सुपरविजन करो, इंस्पेक्शन कर लो, ऑडिट करवा लो. ये आप लोग इस चक्कर में कैसे आ गए कि नए आइडियाज को टेस्ट करें और उसको मार्केट में लेकर आए? व्हाट वाज द मोटिवेशन? अच्छा, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, SECP वाज द फर्स्ट रेगुलेटर इन द रीजन टू इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इन 2019. मतलब हम अच्छी चीजों में भी कभी पहले आए. देखें, इस हकीकत से ये इनकार तो हो नहीं सकता कि टेक्नोलॉजी ने वे ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल चेंज कर दिया. फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हैड टू इम्प्रेस द चेंज एंड द टेक्नोलॉजी, एंड वी डिड नॉट वांट टू बी अ बैरियर टू दैट चेंज. वी वांटेड टू हार्नेस द चेंज सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू द बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, रादर देन कि हम अपनी रेगुलेशंस को उसी तरह पड़ा रहने देते और एक हर्डल क्रिएट हो जाता और एंट्री बैरियर और बॉटलनेक्स जो लोग शिकायत करते हैं. बिल्कुल. तो ये तो बहुत फ्लेक्सिबल और बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है आई थिंक. और ये आपने जिस तरह बताया कि वी SECP इज द फर्स्ट इन द रीजन. यस, SECP वाज इन 2019 वाज द फर्स्ट इन द रीजन. And I think SBP has recently launched their regulatory guidelines, sandbox guidelines. They still have to launch their sandbox. Okay, so hum apne aaspaas ke mumalik mein bhi kisi cheez mein pehle number par hai. To bhai, achhi khabar ye bhi hai ki hamare paas bahut sara acha kaam bhi ho raha hai, jo ki aaj hame aur pata lagega kaise. Acha, ye to samajh mein aa gaya ki concept kya hai aur kaise kaam karta hai. Jo abhi aapne bataya technology, so we are talking about most likely fintechs, jinhone फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रेजेंट किए मार्केट के लिए, राइट? तो इस ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये किस तरह इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो इनोवेटर्स अभी किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं? वी कैन जस्ट स्टार्ट विद यू. यू आर एन इनोवेटर, यू हैव एन आइडिया, आपके पास एक आईटी सॉल्यूशन भी है उस आइडिया का, आप इनक्यूबेटर में काम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हमारा एक असेसमेंट टूल मौजूद है ऑन आवर वेबसाइट इन द सैंडबॉक्स पेज. यू कैन गो एंड असेस योरसेल्फ कि जो आइडिया आप लेके आए हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के साथ फिट होता है कि नहीं. पहले मैंने खुद सेल्फ असेसमेंट जी एक पहले आपने फुल स्क्रू सेस. अगर तो आपको ये लगता है कि जी हाँ, आपने एक ऐसा सोल्यूशन बना लिया है या आपके पास एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज से इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वो टोटली रेडिकलाइज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, बट यू नॉट श्योर कि आपको क्या करना है आगे. सो दिस इज वेयर द सैंडबॉक्स कम्स इन. आई थिंक 90% लोगों का शायद यही प्रॉब्लम होता है. बिकॉज नॉर्मली जब हमारा जो पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना हुआ है वो ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है. अभी करंटली टेक्नोलॉजी इज कमिंग हैंड टू हैंड इन टू द फाइनेंशियल सेक्टर. सो बहुत से लोग हैं जो टेक साइड का बैकग्राउंड है एंड they are working in the financial sector by virtue of their technology that they've developed. So unke liye ye pehle assess karna ke wo financial sector mein kis had tak unko ek aaya jo ye kaam kar rahe hain wo ek license activity ke andar aata bhi hai ki nahi aata hai, aur agar aata hai to kis tarah wo fit in honge. ha ye important hai because aata to hai to ye to mere khayal ye jitne bhi log hamare sun rahe hain wo agar apne kisi idea ko test karna chahte hain aur particularly fintech jis tarah ki amna ne baat ki, this is the perfect space for you guys to join. And it will start, ye start hoga ke pehle hum jaake apni khud assessment kare aur wo tool SECP ki website pe. Ji, SECP ki website pe, it's a regulatory sandbox self assessment tool hai. So aap sare jaiye regulatory sandbox aur SECP ki website pe jaiye, us assessment pe karke dekhiye ki aap kahan fit in karte hain. All right, thank you. थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जब आपके पास सैंडबॉक्स आया 2019 में आया? जी बिल्कुल, right? दिसंबर 2019. अब तक मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कितने कोहोर्ट्स आ चुके हैं? अच्छा, कोहोर्ट्स से पहले जब हमने लॉन्च किया था तो इट वाज ऑन अ कोहोर्ट बेसिस. हमने अब तक 4 कोहोर्ट्स लॉन्च किए हैं. बट लेटली व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव ओपनड इट टू ऑल ईयर राउंड. नॉट ऑन अ रोलिंग बेसिस, कि कभी भी मैं आ सकता हूं. यस, अब आप कभी भी आ सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेके आ सकते हैं. ठीक है. दिस वाज आफ्टर सम लर्निंग्स दैट वी हैव हैड सम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस. यस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस एज वेल एज आवर ओन लर्निंग्स, बिकॉज प्रीवियसली द कोहोर्ट वाज ओपन्स वंस इन अ मंथ.
early once in a year. फर्स्ट आफ्टर द ईयर में कोहोर्ट अनाउंस होता था, एक महीने हम एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते थे, देन दे वर इवैल्यूएटेड एंड सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स की तरह। हां बिल्कुल, आती थी फिर वो खत्म हो जाती थी। हां जी, साल में एक दफा होगा। हां वो भी हज की तरह ही था, ये हज की तरह ही था। लेकिन अब हमने जो इंटरनेशनली देखा कि बहुत से सैंडबॉक्सेस जो है वो इनिशियली कोहोर्ट बेसिस पे ही इंट्रोड्यूस किए थे हुए थे, देन स्लोली दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू ऑलवेज ओपन और रोलिंग बेसिस। So we dug deep in that, ke what is the reason? Startup culture में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा जो ecosystem player है वो VCs का है, जो funding और seed funding और series funding rounds raise होते हैं। ठीक है। So बहुत से ऐसे startups है जो के who wanted to bid for these seed monies and series round, और क्योंकि हमारा जो कोहोर्ट का साइकिल था वो जेल इन नहीं करता था, वो सिंक नहीं होता था। सो कीपिंग दैट इन व्यू, लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में हमने आफ्टर द क्लोज ऑफ कोहोर्ट 4 हमने इसको ऑलवेज ओपन या रोलिंग बेसिस पे कर दिया। तो अब जो भी है वो पहले एक टाइम होता था कि आपने एप्लीकेशंस देनी है और वो डेट खत्म हो गई तो उसके बाद शायद एससीपी एप्लीकेशंस नहीं लेता था, बट अब जिस तरह आमना ने कहा अब रोलिंग बेसिस पर है, तो अगर आज भी किसी के पास आइडिया है तो कल सुबह वो आपके पास आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। गुड हो गया, ये गुड हो गया। अच्छा, अब जब लोग आना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं आना चाहता हूँ रोलिंग बेसिस है। आपको 18 साल का होना चाहिए। अच्छा, मुझे 18 साल होना जरूरी है। अच्छा, वो जो यंग बच्चे सुन रहे हैं वो कहेंगे पहले तो 15 साल एक टाइम था ना, तो माँ बाप उम्र छोटी करा के लिखते थे, वो 2 साल कटवा दिए, थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनीज के लिए या स्टार्टअप के लिए जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इट इज ओपन फॉर ऑल। आप ये तो नहीं पूछते कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का है तुम्हारा? नहीं, उसको नोटराइज भी करा के लाओ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं, हमारे कुछ कोहोर्ट्स में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं अपने आइडियाज टेस्ट करने, सो वी ऑलवेज इनकरेज दैट। हमारा एक सैंडबॉक्स का ईमेल एड्रेस है sandbox@scp.gov.pk, उस पे आप अपनी एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन का एक पूरी गाइडलाइंस मौजूद है ऑन द वेबसाइट, एंड इट इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन जिसमें आपको ये सारा हमने एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह अपने आइडिया को प्रेजेंट करें, सो दैट वी हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट यू आर प्रपोजिंग। ठीक है, उसके अंदर सर्टन एलिमेंट्स हैं जिसको हम फिर इवैल्यूएट करते हैं। बस मकसद ये था कि जो भी सुन रहा है वो अगर अपना बिजनेस आइडिया लाना चाहता है सैंडबॉक्स में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं। आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है कि कम अज कम बीए किया हुआ, और आपको कोई पैसे वैसों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि कम अज कम 1 मिलियन आपके पास हो। नहीं, कम अज कम इट इज अप टू देम कि उन्होंने असेस करें कि वो अगर एक आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं तो वेदर दे हैव द रिक्विजिट फंडिंग की नहीं। ठीक है, तो मतलब अब हो सकता है वो जो कन्वेंशनल तरीका था उससे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। किस किस्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोग सैंडबॉक्स में टेस्ट करते हो? मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया एसएससीपी की बहुत बड़ी डोमेन बहुत बड़ी, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस भी है, उसमें फंड मैनेजमेंट भी है, उसमें लेंडिंग भी है, उसके अंदर सीआई स्कीम्स भी हैं, उसके अंदर कैपिटल मार्केट के ब्रोकरेज और अदर इंटरमीडियरीज भी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वगैरह हैं। सो इन सारे डोमेन्स में कोई भी आपके पास ऐसा सोल्यूशन है विच इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वे बिजनेस इज बीइंग डन राइट नाउ, तो ये हमारे सैंडबॉक्स में टेस्ट हो सकता है। जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोर क्लैरिटी, जिस तरह आपने कहा कि एसएससीपी का स्कोप बहुत बड़ा, मैंडेट बहुत बड़ा है, अब कोई आदमी कैपिटल मार्केट्स में काम कर रहा है उसके जहन में कोई आइडिया है कि यार मैं देखता हूँ कि ये प्रोसेस अगर चेंज कर दिया जाए या ये इनोवेशन आ जाए तो सिस्टम इंप्रूव हो सकते हैं, तो वो आइडिया लेके आपके पास आ जाए, उसको सैंडबॉक्स में टेस्ट करा सकता है वो, राइट? अच्छा, ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया ही कोई हो? बेसिक जो इसका हमारा मैंडेट था वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही था, बिकॉज वी वांटेड कि हम जो टेक्नोलॉजी की जो है amalgamation into the financial services sector, उसको facilitate करें। और basically क्योंकि technology जिस तरह आपने कहा आ तो गई है और उसी ने ही revolutionize किया। जैसे मैं आपको बता, आपने capital market का जिक्र किया, so SECP and these are one of the takeaways from our sandbox as well, कि हमने अब digital only broker की regime कर दी है। अच्छा, जैसे जो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जाता है थ्रू स्टॉक ब्रोकर, जी ब्रोकर्स के थ्रू, ठीक है, उसकी एक पूरी रिजीम है, उनका फिजिकल ऑफिस होता था, वो लोग बैठे होते थे, वो केवाईसी करते थे अभी ऑप्शन है कि आप
एक अपना डिजिटल स्पेस बनाएं, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, आप एक डिजिटल ओनली ब्रोकर का लाइसेंस ले एंड यू कैन ऑपरेट ऑन दैट. अच्छा, यानी कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाला मॉडल है, जी जी, ब्रांच होना चाहिए, वो नहीं है. बिल्कुल नहीं है, वो खत्म कर दिया. ये हम इंश्योरेंस में भी लेके आए हैं. Good. ये हम एसेट मैनेजमेंट में भी लेके आए हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एंड दीज आर ऑल आउटकम्स ऑफ द सैंडबॉक्स टेस्टिंग. एंड मेरा ख्याल है एक तो बहुत पॉपुलर भी है और कुछ बैड पब्लिसिटी भी है जो डिजिटल लेंडिंग है. वो तो सब साथ साथ चलेगा. वो तो आपको पता है, जब आप ऐसे डोमेन में होते हैं तो अच्छाई के साथ कई चीजें ऐसी जुड़ जाती है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग जिस तरह आपने कही कि नाउ वी आर इन साइबर स्पेस, राइट, आप हर चीज को साइबर स्पेस में ले गए हो और उसके लिए सैंडबॉक्स जो है वो बेहतरीन आइडिया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अमूमन जब रेगुलेटर से बात होती है तो लोगों का ख्याल ये होता है कि यार हमें प्रोटेक्शन जरूर मिलनी चाहिए, कुछ होना चाहिए. सो एक्चुअली हाउ डज एससीसीपी इंश्योर दैट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड द रेगुलेटरी कंप्लायंस वो इंश्योर हो रही है सैंडबॉक्स के अंदर? देखिए, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो ऑपरेट करने देता है पार्टिसिपेंट अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस. नॉट फॉर ऑल. Not for all. Okay. Limited participant, publicity allow नहीं होती है उसके अंदर. लेकिन जो consumer protection measures हैं, वो सारे के सारे हमने inbuilt किए होते हैं on the terms and conditions. Then उनकी hand holding भी हो रही होती है participants की और उनकी एक oversight भी हो रही होती है. अच्छा. उन्होंने monthly base पे अपनी reporting हमें करनी है. They are bound to have a complaint mechanism. जिसके अंदर वो कंप्लेंट हमें भी कर सकते, पार्टिसिपेंट को भी कर सकते हैं और एसईसीबी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, इन केस जो टेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है उसकी तरफ से कोई जो है अनटॉवर्ड इंसिडेंट. तो मतलब अगर किसी ने अपना सैंडबॉक्स में आइडिया लेके आया और कोई पार्टिसिपेंट उसके साथ उस ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग फेज इन्वॉल्व है, तो वो भी अगर चाहे उसके साथ कोई मसला हो जाता है तो वो आपके पास आ सकता है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, ये बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, ये बताइए, आपने इतने माशाल्लाह को देखे हैं, कोहोर्ट देखे, कोई अच्छा सक्सेस स्टोरी तो हमें सुनाए. बहुत सी हैं. एक आध दो सुना दे. पी टू पी लेंडिंग फ्रेमवर्क हमने इंट्रोड्यूस करा है अब. और क्योंकि मैं सॉरी आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, माजरत, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हम बोलते हैं लेकिन क्योंकि हमारे सुनने वाले नहीं जानते, तो सर पी टू पी. पी टू पी इज पर्सन टू पर्सन, ठीक है. ये किस्म है एक डेट क्राउड फंडिंग की. थोड़ा सा और हल्का हो जाते हैं. अभी डेट क्राउड फंडिंग क्या होती है? डेट क्राउड फंडिंग ये है कि एक इंडिविजुअल है जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है. दूसरी साइड पे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है, वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ओके. सो जो हमारा पी टू पी का फ्रेमवर्क है वो अलाउ करता है कि एक लेंडिंग एनबीएफसी जो है, लेंडिंग एनबीएफसी देन अगेन इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि हमारे से लाइसेंस लेती है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे वो शोकेस करता है सर्टन पीपल जिनको के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है अपने कारोबार के लिए, ठीक है. दूसरी साइड पे उसके साथ ऑनबोर्ड होते हैं सर्टेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो कि जिनके पास पैसा है और वो किसी के कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. मैं भी हो सकता हूँ. बिल्कुल, आप भी हो सकते हैं. मैं लेंडर भी हो सकता हूँ और बोरोअर भी हो सकता हूँ. उसकी जो लेंडर की जो बोरोअर की जो केवाईसी है और वो सारी उसकी बिजनेस की जो सारी फिजिबिलिटी है वो सारी चीजें इंश्योर करना प्लेटफॉर्म ओनर की जिम्मेदारी है. केवाईसी प्लेटफॉर्म करेगा. जी जी, केवाईसी प्लेटफॉर्म करेगा. सो मैं आ गया, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं एक पी टू पी प्लेटफॉर्म पे गया और मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये पैसा इन्वेस्ट हो जाए किसी बिजनेस के अंदर. बिल्कुल. तो पी टू पी फोरम क्या करेगा? पी टू पी फोरम ये करेगा कि वो उसको दिखा देगा कि दीज एक्स वाई जी, दीज आर द पीपल who have these businesses and this is what they require. तो मैं चूज करूंगा. हाँ, आप खुद चूज कर सकते हैं. अगर वो borrowers जो हैं वो उस platform पे पहले से मौजूद है और borrowing कर चुके हैं तो वो एक उनकी credit history भी आपको बताएगा. तो you yourself can choose कि आपने किसको देना है. कितनी amount में कर सकता हूँ invest? अमाउंट जो है अभी माइक्रो फाइनेंस के लेवल पे है तो ऑलमोस्ट हमारा जो टिकट साइज है वो 200,000 का है. तो 2 लाख तक अगर मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं अगर किसी पी टू पी जिस आप सक्सेस स्टोरी बता रही हैं अभी उसके ऊपर आते हैं कि वो कौन सी कंपनी है तो मैं उनके फोरम पे जाऊं, 2 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर दूं और बिजनेसेस की लिस्ट मेरे सामने. 2 लाख पर पार्टी है, टोटल आप 1 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिंपलिसिटी में अभी एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि अगर एक बिजनेस में मैं 2 लाख रुपए लगा दूं तो उसका जो रिटर्न है वो मुझे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मुझे वापस मिलेगा. जी, आपको मिल और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, क्या मुझे पता होगा कि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? जी, वो उस पे इट्स टू वे प्रोसेस, वो उधर ही डिटरमिन होता है जिस वक्त आप उसको लेंड कर रहे होते हैं. और ये आप लोगों ने टेस्ट किया हुआ मॉडल? जी, हमने टेस्ट किया हुआ है और वेरी इंटरेस्टिंगली
जो ये प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, जो बोरर हैं, वो SMEs हैं, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, छोटे ज्यादातर किराना स्टोर ओनर्स हैं जिन्होंने जबरदस्त। अपनी वीकली जो है इन्वेंट्री को रोल ओवर करना है और उनके अगर पास। मैं किराने स्टोर वाला हूँ और मैंने रखने हैं लेस के, मुझे ना हाँ, 50 पैकेट रखने हैं, अब मुझे पैसा चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही तो है। अब मैं क्या करूं? मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाऊं और एज अ बोरोअर अपने आप को रजिस्टर करा लूं हाँ कि जी, मुझे बिल्कुल, बोरो करने हैं पैसे, एग्जैक्टली। और मैं वो जो पैसा मेरे पास आएगा उससे मैं अपने लेस के वो बिस्किट लगा, वो जो है चिप्स हाँ लगा जी लूंगा, और जब वो बिक जाएंगे तो वो पैसा वापस कर जी दूंगा। वो आपका एक टेन्योर है, वीकली बेसिस पे रोल तो ये ओवर होता कहीं है। बैंकिंग का टर्न तो किसके साथ कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा इसके अंदर? नहीं, ये एक लेंडिंग एक एक्टिविटी है, लैंडिंग ये एक्टिविटी है। एक लेंडिंग एक्टिविटी अच्छा है अच्छा अच्छा तो कौन सा सक्सेस है? ये आपने बताया कि मॉडल टेस्टेड है और आप लोग इसको अप्रूव कर चुके हो, जी। इसका पूरा फ्रेमवर्क हमने फ्रेमवर्क थोड़ा हमने एक दे। इसका इंट्रोड्यूस किया था थ्रू आर रेगुलेशंस, अच्छा और हमारा जो जिस एंटिटी, आई कैन नेम दैट, फिंजा लेंडिंग श्योर मिस्टर, सर्विसेज, यस दे हैव टेकन द लाइसेंस और वो अब कमर्शियली भी ऑपरेट वो कर रहे कमर्शियली हैं ऑपरेट करें, तो जी, ये एक सक्सेस स्टोरी है बिल्कुल। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की। एक आइडिया आया, आप लोगों ने टेस्ट किया, टेस्ट करके मार्केट में भेज दिया, एंड नाउ इट्स सक्सेसफुली रनिंग। जी बिल्कुल, एंड अच्छा देयर फ्यू अदर एप्लीकेंट्स ऑन इन इंडस्ट्री पाइपलाइन एज वेल, जो कि होपफुली अपना लाइसेंस लेके तो दिल तो स्टार्ट वो भी पी टू ऑर्डरिंग्स पी पे ही करेंगे, जी। ये P2P पी की टू पी। रेफरेंस और है। कोई बिजनेस आइडिया जो आपकी नजर से गुजरा हो, जो आपको लगा यार बहुत अच्छा है, मतलब चल सकता है ये? बहुत से आइडियाज हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी साइड पे हैं, या फंड मैनेजमेंट के एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म। इम्लाक की एग्जांपल मैं आपको दूं, अच्छा, ये क्या चीज है? इम्लाक इज अ प्लेटफॉर्म ओके okay. जिसमें डिफरेंट आपके पास इन्वेस्टर AMCs के जो हैं वो रिटर्न्स और वो साइज जो हैं वो फर्क फर्क फंड मैनेजर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जगह आपको मिल जाते हैं, उनके कंपैरिजन मिल जाते हैं। अच्छा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उधर से चूज कर लें, ऑनबोर्डिंग भी थ्रू द प्लेटफॉर्म हो जाती है। ठीक है, एक तरफ एक लेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन की साइड है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की साइड है कि आपके पास सेविंग्स है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द डिजिटल सॉल्यूशंस जिसको आप यूज कर यूज सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बड़ा मैं हमने इसमें से आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ह्यूमन इंटरवेंशन बड़ी खत्म हो गई है, राइट? और आई थिंक डिसीजन मेकिंग में से गैस वर्क इलिमिनेट होता जा रहा है, बिल्कुल, राइट? ऑब्जेक्टिविटी आ गई है। ऑब्जेक्टिविटी आ गई है, अब अंदाजे नहीं लगा सकते, अब आपके पास प्रिसाइसली डेटा अवेलेबल है और वो डेटा रिकॉर्डेड है और उसको SCP रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में चेक भी कर चुका होता है, तो ये काफी आई थिंक इम्प्रूव्ड चीज है। बिल्कुल इम्प्रूव चीज है, बट उसके साथ उसके रिस्क भी हाँ, अलग है। अगला मैं इसी के ऊपर आ रहा था कि देखिए ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, ठीक है ना? अब मसला ये है कि ये अच्छी बातें करने के बाद मेरे जैसा आदमी आ गया और वो गया फंस। अब चैलेंजेस क्या हैं आपको, क्या एज अ रेगुलेटर जब आप सैंडबॉक्स को देख रही होती हैं तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो अभी हमें फेस आ रहा है, हो रहा है इन द डिजिटल रिजीम, इज कस्टमर डाटा प्रोटेक्शन। डेटा प्राइवेसी, यस, बिग क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी बिग बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन, एग्रीड। एंड वो इवॉल्विंग एक इस इकोसिस्टम के एक इवॉल्विंग साइड है जो कि वर्ल्ड ओवर अभी इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व हो रहा है, इंटरनेशनल मतलब है ये देखें, सब। आप, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उधर आप फिजिकली जाते हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं वो आपसे, आप उनके पास वही आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, होती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हुए आप लोगों का ध्यान भी नहीं होता, आप उनको कहता है कैमरे की परमिशन कैमरे की, फोटो गैलरी की परमिशन फोटो वो गैलरी की, बिल्कुल निकालना कॉन्टेक्स्ट। लगता है आखिर में, बस हाँ ही हाँ करनी हाँ होती है। नहीं, अगर और आप सोचे, बिकॉज हम बगैर सोचे ही उनको हम दे टिक कर देते रहे हैं। होते हैं, टिक करने का मतलब यह है कि आपके फोन में जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी तस्वीरें हैं, जितने कॉन्टेक्ट हैं, वो उन तक पहुंच गए। ना वो आगे भी तो नहीं जाता अगर मैं नहीं ये ओके करूंगा तो। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन, देन दिस इज समथिंग वी हैव वर्कड ऑन एज वेल, बिकॉज ये अब हमने कहा है कि ये नहीं वो नहीं एक्सेसेस कर सकते, लेंगे, नहीं लेंगे एक्सेस, ठीक है, तो डेटा बिकॉज प्रोटेक्शन डेटा इज प्रोटेक्शन इज इट्स अ चैलेंज, चैलेंज। इट्स अ चैलेंज, यू नो साइबर सिक्योरिटी और बिल्कुल यू नो डेटा प्राइवेसी बिल्कुल जो ऐसा उसके ही वो है। मामला आते हैं, राइट? अच्छा अब ये थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई हम लोग सेक्टर्स देखते हैं मुख्तलिफ, आपने बताया कि SCCP ने मुख्तलिफ लोगों को टेस्ट किया, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया, SCCP क्या कोई सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एप्लीकेंट्स को? अगर मैं आपके पास आऊं और मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करवाने के बाद आपकी वेबसाइट से एक फॉर्मली एप्लीकेशन लॉन्च करता हूं, तो क्या सपोर्ट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं? देखिए, SCCP का सैंडबॉक्स इज ऑफ अ रेगुलेटरी नेचर। ठीक है, बेसिकली ये आपको सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा कि आपको रेगुलेटरी स्पेस दे देगा, अच्छा कि अगर रेगुलेशन कहती है कि जी आप ये बिजनेस इस तरह नहीं कर सकते नहीं कर हैं, सकते,
फिक्स्ड है ना रेगुलेशंस, तो रेगुलेशन फिक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तो सैंडबॉक्स में आके हम आपको कहते हैं कि नहीं ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट, आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें कस्टमर प्रोटेक्शन भी है, जिसके अंदर KYC CFT भी है, वो सारी चीजें हैं, तो आप इन फ्रेमवर्क के अंदर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में इसको टेस्ट करें. जब टेस्टिंग के दौरान अगर उनको कोई मुश्किलात फेस होती हैं तो आप हेल्प आउट करते हैं, तो हम हेल्प आउट करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन की हद तक, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ द सेक्टर, क्योंकि हम उनको कनेक्ट करते हैं विद सेक्टर एक्सपर्ट्स जो हमारे ऑफिस में हैं, कैपिटल मार्केट के हों या इंश्योरेंस के हों या फंड मैनेजमेंट के या लेंडिंग साइड के हों, ठीक है, दे आर टोटल ऑलवेज इन कनेक्शन कॉन्टैक्ट विद देम, सो दे हैंड होल्ड दे हैंड होल्ड दीज पीपल एंड सो दैट उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो उसी वक्त सॉल्व हो जाए. क्योंकि ये बड़ी एक्सपर्ट फील्ड है व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटरी थिंग, तो रेगुलेशन हर एक के बस की बात नहीं है, और उसकी वो सेंस डेवलप करना कि एक्चुअली रेगुलेटर आपसे चाह क्या रहा है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल. सो जो भी हमारे दोस्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपका कोई आइडिया है और आप उसको चेक कराते हो, तो एज आमना सेड आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशंस एंड टू अकोमोडेट यू योर आइडिया प्लगिंग दैट आइडिया इन टू दिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है. तो इससे एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ एक बड़ा रुझान है कि हर आदमी के लिए ना जब कोई सरकारी इदारा होता है तो लोग कहते हैं यार कुछ जानने वाला ढूंढो, तो सैंडबॉक्स आपका जानने वाला, सैंडबॉक्स आपका जानने वाला, ये एक क्या कहेंगे इसको, फिनटेक बेस्ड जानने वाला है मेरा, ठीक है, एक साइबर स्पेस में हमारा एक जानने वाला है जो कि बायसेस क्रिएट नहीं करता और पसंद ना पसंद के बगैर भी काम चला लेगा. तो अगर मेरी आमना जानने वाली नहीं भी है तो मेरा आइडिया वहां पे काम कर सकता है. एग्जैक्टली, ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी में बन गई हैं, और जिस तरह आप बता रही हैं, आई थिंक इसमें से बहुत सारे मामले तो रिजॉल्व हो जाएंगे इसके ऊपर. थोड़ा सा ये बताएं कि जो लोग इस स्टार्टअप में हैं या मैं आता हूं, तो मुझे एक फायदा तो ये नजर आ रहा है कि मेरा आइडिया टेस्ट हो सकता है, दूसरा आइडिया मुझे समझ ये आ रहा है, बेनिफिट ये नजर आ रहा है कि मैं रेगुलेशन से कभी नॉन कंप्लायंट नहीं होगा क्योंकि आप मेरी हैंड होल्ड कर रहे होंगे, राइट. एक पॉइंट जो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो ये कि मैं आपके पास आया और आपने मुझे गाइड किया, मगर मेरा आइडिया और रेगुलेशन उसमें कहीं गैप है, तो क्या होगा, क्या आप रेगुलेशन बना के मुझे अकोमोडेट कर लेंगे या मेरे आइडिया को थोड़ा सा अमेंड करके? इट वर्क्स बोथ वेज, ठीक है. अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने रिसेंटली आफ्टर दिस टेस्टिंग ऑफ द सैंडबॉक्स डिजिटल ओनली बिजनेसेस अपने इंश्योरेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स, फंड मैनेजमेंट हर साइड पे इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें हमने यही किया कि हमने रेगुलेशंस के अंदर अमेंडमेंट्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स वो रेगुलेशंस पहले की बनी हुई थी और टेक्निकल रेवोल्यूशन जो है वो तो खैर एवर चेंजिंग है, वो तो चेंज है, वो तो चेंज है. सो वी नीडेड टू आवर रेगुलेशंस टू बी अकोमोडेटिंग इनफ कि वो ये चेंज को एक्सेप्ट कर सके. जैसे आपने कहा कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव अ You know, digital only, जिस तरह आप बता रही हैं, एक अपने तो वेबसाइट बना लें अपनी, जी वेब एड्रेस होगा, पोर्टल होगा, वो सारी चीजें गिवन है, बिल्कुल. ओके, तो इसमें कॉस्ट की भी बड़ी अकोमोडेशन है कि आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है. अप्लाई किस तरह करूं? एक ईमेल एड्रेस है हमारा, एक दफा रिपीट कर दें हमारे सुनने वालों के, sandbox sandbox sandbox@secp.gov.pk. yes, अच्छा, उस पे अपनी एक एप्लीकेशन डाल दें जी. एप्लीकेशन की गाइडलाइंस जैसे मैंने कहा पहले से मौजूद हैं. अगर आप SECP की वेबसाइट पे जाते हैं तो SECP की वेबसाइट के होम पेज पे ही एक बटन बना हुआ है सैंडबॉक्स का, जिसके अंदर सैंडबॉक्स रिलेटेड आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा. गाइडलाइंस उसके ऊपर है जी, गाइडलाइंस भी उस पे हैं, उसमें सेल्फ असेसमेंट टूल भी है, उसके अंदर हमारे दो पोजीशन पेपर्स भी मौजूद हैं जिसमें हमने अब तक जो टेस्ट किए हैं कोहोर्ट्स में उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि किस किस्म के किस किस्म के सॉल्यूशंस टेस्ट हुए हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं. फेलियर्स भी लिखते हैं आपने? सारे सब कुछ लिख दिया, सब कुछ लिखा, क्या नहीं करना, बिल्कुल, वन माइनस टी, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द लेसन एज वेल. जो सबसे बड़ा हमारा लेसन लर्न है वो विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप्स एंड द फिनटेक्स दैट आर टेस्टिंग इज दैट टेस्टिंग रेडीनेस इज ऑफ अल्टीमेट इंपॉर्टेंस. वेरी ट्रू, ठीक है. आपके पास आइडिया है, आपके पास आइडिया तो बहुत है हमारी कॉम के पास, आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी टीम इन प्लेस होनी चाहिए, आपके पास अगर जो उस टेस्टिंग टाइम पीरियड में जितना आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है वो इन प्लेस होनी चाहिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन डाल हमारे पास लेके आए.
बिकॉज हमारे पास जो हम आपको टाइम देंगे वो टोटल एट मैक्स वुड बी 9 to 12 months, जिसमें से 2 महीने हम देते हैं एज एन इनक्यूबेशन पीरियड कि आप अपने आप को रेडी कर लें. देखिए सेल्फ असेस आपने तो कर लिया. मैं आया और मैंने सेल्फ असेस कर लिया. बट देन एट SECP वी आल्सो असेस कि वेदर योर असेसमेंट इज ट्रू और नॉट, कि आप वाकई हमारी डोमेन में है कि नहीं. ठीक है ठीक है. बिकॉज ज्यादा खुश नहीं होना फॉरन. बिल्कुल नहीं, खुश हो जाए बिकॉज वी आर वेरी फ्लेक्सिबल. ठीक है. ये तो पहले भी मैंने जैसे कहा, सो वी असेस दैट फैक्ट बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे यहाँ क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. हाँ, क्रिप्टो तो बहुत ही क्रिप्टो डज नॉट, अगर करेंसी की फॉर्म में है तो डज नॉट कम. बल्कि क्रिप्टो को राइट नाउ वी से दैट इट इज नॉट इन आवर डोमेन, इट इज नॉट अलाउड. तो ये आप सारे सुन लो मेरा भाई, जो लोग भी क्रिप्टो में काम कर रहे हो, रेगुलेटर इसको परमिट नहीं कर रहा, और अगर कोई कर रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है. सो अगर कोई क्रिप्टो को सेल्फ असेस करके मेरे पास आ जाता है कि जी मैं तो SECP की डोमेन में फॉल करता हूँ, सो हेयर आइदर आई हैव टू पुट द फुट डाउन, पुट द फुट डाउन, दैट मेक सेंस. ठीक है. सो एक तो हमने वो कर लिया, दूसरा फिर हम ये देखते हैं कि आइडिया कितना जेन्युइन है. आइडिया कितना जेन्युइन है? हाँ जी. ओके, ओरिजिनलिटी चेक करें. ओरिजिनलिटी चेक करें, मतलब ओरिजिनलिटी इन द सेंस कि पाकिस्तान में क्या ये ऐसी चीज इस फॉर्म में हो रही है कि नहीं हो रही है. सिमिलर इंटरनेशनल यूज केस अगर लेके आ रहे हैं दैट इज फाइन, कि पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हुआ, इंटरनेशनली हो रहा है, सो वी वांट टू टेस्ट पाकिस्तान की एनवायरनमेंट. हाँ, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट. ठीक है. दैट इज अ बिजनेस केस दैट वी डू एक्सेप्ट, वो आप देखेंगे. लेकिन से अगर पहले से वो काम हो रहा है और वो कर रहा है और आप भी वही चीज टेस्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज आपने एक टूल बना लिया है या आप एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, दैट वोंट बी अलाउड. लेकिन अगर मैं एक टूल इम्प्रूव करके ले आता हूँ, अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो ऑफकोर्स उसको डिफरेंशिएट करवाना, डिफरेंशिएट करवाना चाहते हैं. तो मेरी सेल्फ असेसमेंट के बाद आपके पास मेरी एप्लीकेशन आ गई sandbox@sscp.gov.pk के ऊपर, फिर आप और आपकी टीम उसको असेस करेगी. जी जी. ओके, फिर क्या होगा असेसमेंट के अंदर? ये 2 criteria के बाद तीसरा क्राइटेरिया इज टेस्टिंग रेडीनेस. टेस्टिंग रेडीनेस, और उसमें आप क्या देखना चाहेंगे? टेस्टिंग रेडीनेस में मैं ये देखना चाहूंगी कि आपका आइडिया सिर्फ आइडिया की स्टेज पे है, कि देयर इज समथिंग कॉन्क्रीट आउट ऑफ इट, द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, द टीम इज देयर, यू हैव द, यू नो व्हाट स्टेप्स यू गोइंग टू टेक. ठीक है. सो ये टेस्टिंग रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके अलावा फिर कंज्यूमर बेनिफिट. किसका कंज्यूमर बेनिफिट? इसका कंज्यूमर बेनिफिट क्या है? मेरी फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को क्या फायदा होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी असेस द एप्लीकेंट इज द एग्जिट स्ट्रेटजी, कि एग्जिट कैसे होगा. बिकॉज सैंडबॉक्स, आई रिपीट वंस अगेन, इज जस्ट अ टेम्पररी परमिशन, इट इज नॉट अ लाइसेंस, इट इज नॉट अ लाइसेंस. हमारा सक्सेस इज मेजर्ड टू सर्टेन एक्सटेंट बाय द फैक्ट कि जी इसको हमने इनेबल कर दिया उस सोल्यूशन को कि वो लाइसेंस हो जाए. हो जाए. ठीक है. बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ के हमें लगता है कि द रिस्क आर ग्रेटर देन द रिवॉर्ड्स, तो वो नहीं भी होता है या उसमें डिले भी होता है. तो मैं ये समझूं कि एक बच्चे ने दाखिला लिया गाड़ी ड्राइविंग स्कूल में और वो ड्राइविंग स्कूल से निकल के आपके पास आ गया, आप वो अथॉरिटी जिन्हें लाइसेंस देना है. ठीक है. तो वो अभी देखेंगे आप लोग कि वो कितना प्रिपेयर है गाड़ी चलाने के लिए, उसको गियर वेयर लगाना आता है, सिंग साइंस पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, गाड़ी है या नहीं है, और हो सकता है कि आप उसको मना भी कर दें क्योंकि उसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं बन रही होगी या कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा. तो अच्छा, ये हो गया. अब उसके बाद हम अगली स्टेज पे आ गए कि आपको लगा कि हाँ भाई मुर्तजा साहब का आइडिया बहुत अच्छा है, इनकी प्रिपेयरनेस भी ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हम आपको एक अप्रूवल लेटर देंगे कि जी आप मुझे लेटर देंगे, इट वुड बी अ टाइम बाउंड लेटर कि जी ये विच इज जनरली वी गिव 2 months ऑफ इंक्यूबेशन टाइम, जिसमें वो अपने आप को रेडी कर लेता है फॉर टेस्टिंग. ठीक है. और फिर 6 months एंड विद एन एक्सटेंशन ऑफ 3 months इफ रिक्वायर्ड, तो वो टेस्ट कर सकता है. ठीक है. जो टेस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले शेयर की जाती हैं, और इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर उसके अंदर अगर उनको कोई चेंजेस चाहिए होते हैं या उनको लगता है कि नहीं दीज आर टू हार्श या ये हमें इम्पीड कर रही हैं, तो उसके अंदर वी आर ओपन कि अगर वो हमें कन्विंस करते हैं और वो उन टर्म्स को किस तरह वो उस रिस्क को मिटिकेट करते हैं, तो दैट दीज आर चेंजेस. तो जो मेरा बिजनेस आइडिया आपके पास आया उस पे आपने कुछ कंडीशंस लगा देनी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप बताएंगी? जी जी, वो हम बताएंगे एट द टाइम ऑफ द अप्रूवल. एट द टाइम ऑफ अप्रूवल कि यार ये इन कंडीशंस के अंडर हम आपको अप्रूव कर रहे हैं. हाँ जी. और अगर वो कंडीशंस मुझे लगता है कि ये तो मेरे बिजनेस आइडिया को डिफीट कर रही है,
तो प्रॉब्ली वीकेंड हाँ जी वी डू टॉक अबाउट इट और वो ये सब कुछ इंक्यूबेशन के दरमियान होता है इंक्यूबेशन पीरियड में. ओके नाउ वी हैव एग्रीड कि इंक्यूबेशन पीरियड में एक स्टेप और होता है जी प्लीज जिसके अंदर होता है द केपीआई सेटिंग. केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. सो आपकी टेस्ट के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे ये भी आप तय करेंगी. नहीं ये एक म्यूचुअली तय होता है विद द एप्लीकेंट एंड द रेगुलेटर. ठीक है और इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो एप्लीकेंट है या जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमारे जो सेक्टर स्पेशलिस्ट है वो उसके साथ बात कर उसके रहा है. ठीक है उधर ही हैंड होल्डिंग हो रही होती है वही सारा एक्सप्लेन करते हैं वही उनके क्वेरीज के जवाब देते हैं और उधर ही ये जो है केपीआई सेट होते हैं. सो जॉइंट एफर्ट म्यूचुअल क्या केपीआई रिजल्ट निकलेगा जी क्या रिजल्ट निकलेगा किसको किसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ जी द टेस्ट इज अ सक्सेस. अच्छा ये अच्छी बात है कि ये शुरू में ही तय हो जाता है कि ये हमने किस एट द एंड ऑफ द डे हाउ आर वी गोइंग टू इवैल्यूएट कि यार ये सक्सेस है कि ये फेलियर है ये कैसे हो तो आप शुरू में ये बात तय कर लेते. हाँ जी ओके सो हम यहाँ तक आ गए कि आपने हमें एक टर्म्स ऑफ कंडीशंस का लेटर दे दिया आपने उसमें केपीआई सेट कर दिए. नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर 6 to 9 months. यस अच्छा अब मैं काम शुरू कर दूं. लेकिन आपने कहा इसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते. नहीं इसकी पब्लिसिटी नहीं हो सकती. ठीक है अब मैं जब अपना बिजनेस आईडी पे काम शुरू कर दूंगा अंडर योर लाइसेंस नॉट लाइसेंस बट योर लेटर और उसके बाद 6 महीने के बाद मैं आपके पास आऊंगा. नहीं इट इज अ कंटिन्यूअस ओवरसाइट मैकेनिज्म जो हमारा है मंथली रिपोर्टिंग है. अच्छा एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो हमने शेयर किया होता है उसके बेस पे एक मंथली रिपोर्टिंग की जाती है. ठीक है उस रिपोर्ट को ना सिर्फ द सेक्टर स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट दैट इज हैंडलिंग द केस वो देख रहे होते हैं बल्कि जो सैंडबॉक्स कमेटी है वो उसके पास भी आती है रिपोर्ट देख रही होती है. ठीक है तो जब आप उसको मंथली रिपोर्टिंग में और अगर आपको लगे कि हम अपने केपीआई से या जो टर्म्स एंड कंडीशंस उससे डेविएट कर रहे हैं. मैंने यही बताया ना कि वी कॉन्स्टेंटली एंगेज विद द पार्टनर्स जो टेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली एंगेज हैं. सो सक्सेसफुली हमने 6 महीने गुजार दिए और हम 6 महीने के बाद उस स्टेज पे आ गए जहां हमें लगा कि हाँ भाई गुड बहुत अच्छा हो गया हमारे केपीआईज भी मीट हो गए आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी मीट हो गई. सो नाउ व्हाट. देखिए 6 महीने गुजारने के बाद कुछ रिजल्ट्स आएंगे. ओके ठीक है गुजारने तो नहीं है आप कुछ नहीं होने दे रही हैं. एक तो 6 महीने के बाद आपने एक फाइनल रिपोर्ट देनी है मुझे. ठीक है कि जी ये मैंने टेस्ट किया ये मेरे केपीआई से दीज आर द रिजल्ट्स दीज आर द रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स दैट आई हैव फेस्ड. ओके ठीक है एंड क्योंकि इन द मीन टाइम हम कॉन्स्टेंटली इन टच है और हमें नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है और रेगुलेशंस कहाँ कहाँ उसको रोक रही है उसको. सो वी एट आर ओन एंड आर वर्किंग ऑन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है हम अपनी असेसमेंट करते हैं और ये ट्यूरिंग टेस्टिंग कोशिश हमारी यही होती है कि टेस्टिंग के दौरान ही हमारी असेसमेंट हो जाए और ना सिर्फ असेसमेंट हो जाए या कोई अमेंडमेंट हमारे फ्रेमवर्क में चाहिए या कोई हमें क्लैरिटी देनी है तो वो भी हम करते हैं साइड बाय साइड. जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई आप लोगों ने साथ ही रेगुलेशन को देखा और उसको जहां दिस इज आवर अटमोस्ट इंटेंशन एंड वी डू इट नॉर्मली बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट एज वेल. देखे ना वो शरीयत के कुछ उसूल हैं. ठीक है मैं समझ सकता हूँ. तो वो हो गया और उसके बाद अगर हमारा वो एक इम्प्रूवन केस ले देंगे अच्छा जी मुबारक हो ये सब बहुत अच्छा हो गया. ठीक है तो अब 6 महीने के बाद क्या होगा. 6 महीने के बाद आप जाके लाइसेंस ले लें. अब उसके बाद आप मुझे अगर मेरा रेगुलेटरी हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जी जो आपने काम करना है ये बिल्कुल विद इन द फ्रेमवर्क है आप काम कर सकते हैं आप जाके लाइसेंस ले लें. आप जा सकते हैं अब आप लाइसेंस ले सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल. तो क्योंकि आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों को ये लेटर्स मिल जाते हैं या जिनका केस अप्रूव हो जाता है उनको फंडिंग के ऑप्शन बड़े अच्छे मिल जाते होंगे. अगर इन्वेस्टर्स मार्केट में है वो कहीं पिच करते हैं इसको तो दे हैव अ रेगुलेटरी सपोर्ट बिहाइंड देम कि यार वी हैव सच एन आइडिया एंड इफ यू वांट टू स्केल इट अप एग्जैक्टली तो उसको स्केल अप करने के लिए राइट. थैंक यू इसमें बहुत आई थिंक अच्छी बातें करने की भी हैं और केपीआईस की भी हमने बात कर ली हमने इंटरनेशनल भी बात की कि अब आप कोहोर्ट बेसिस की जगह हर जगह रोलिंग ऑन बेसिस के ऊपर कभी भी एप्लीकेशन रिसीव कर रहे होते हैं और सैंडबैग एनवायरनमेंट जो है वो सिक्योर और सेफ भी है बिकॉज आप दोनों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. ये फीडबैक या लेसन्स लर्नड वेरी ब्रीफली कि यार हमने ये कुछ देखा ये सीखा रेगुलेशंस के हवाले से जिस तरह आपने एक बात बड़ी अच्छी की बीच में कि रेगुलेशंस तो पहले बने थे मगर जब से टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को रेगुलेशन कई जगह अकाउंट फॉर नहीं कर रहे तो अब आप लोग सीख रहे हैं आपसे मुराद ये कि रेगुलेशंस और इदारा सीख रहा है कि भाई नई चीजें चाहिए हमें. ये हुआ जो हमारे बच्चे या जो यंगस्टर्स इस पे काम करना चाहते हैं उनको 1, 2, 3 कोई 3 बातें बता दें स्टार्ट करने के लिए.
स्टार्ट करने के लिए पहले तो माय एडवाइस वुड बी टू नॉट बी अफ्रेड टू इनोवेट. ब्यूटीफुल. ठीक है. रिपीट. डू नॉट बी अफ्रेड. उर्दू में से कहेंगे मुकर्रर. सो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जी ये काम इस तरह हो रहा है, ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता. ऑलराइट. ठीक है. बच्चे यंग हैं, टेक्नोलॉजी भी नई है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी हो रही है, वो सोचते भी हमारे से मुख्तलिफ तरीके से. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. जैसे मेरा बेटा कहता है, ही इज 17 इयर्स ओल्ड, वो कहता है आई वांट टू बी सक्सेसफुल बट आई डोंट हैव अ रोल मॉडल बिकॉज आई वांट टू बी सक्सेसफुल ऑन माय ओन टर्म्स. मैं अपने तरीके से अपनी सक्सेस अचीव करूंगा, व्हाई शुड आई हैव अ रोल मॉडल फॉर दैट. ब्यूटीफुल. सो नो मेंटोरशिप. सो वो जाहिर गुड आईडिया. आई आई कंप्लीटली टीनेजर की थिंकिंग रिफ्लेक्ट हो रही है. नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. सो इनोवेट करें, इनोवेट करें एंड डोंट फियर. Bring your idea to the table. और हमारे पास तो बहुत सी स्टेजेस हैं, पाकिस्तान में बहुत से इनक्यूबेशन सेंटर्स चल रहे हैं जो आइडिया की स्टेज पे आपको बहुत सी हैंड होल्डिंग उधर से मिल जाती है. सो अप्रोच दोस इनक्यूबेशन सेंटर्स. में लोगों को थोड़ा पता नहीं लगता, वो लोग डरते भी हैं कि यार सरकारी इदारा है, पता नहीं वहां जाएंगे, वो जो एक रेड टैपिज्म होता है, बहुत लंबा लंबा टाइम लगेगा, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, जिस तरह हमने अभी बात की. तो वो फियर फैक्टर भी लोगों को जो है ना बड़ा आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकता है. मेरे ख्याल है SACP के से इंटरेक्ट करके दिल भी सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. आई एम कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया. सो हमारा तो टर्न अराउंड टाइम जो ईमेल पे जब हमें अप्रोच किया जाता है, तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड SOP कि हम within 48 hours respond करते हैं. आप respond करते हैं उसके ऊपर. So I think ये हमारे जितने भी lot सुन रही है, वो आपने जो बात कर दी ना कि डरना नहीं है, ठीक है, और आप लोग उनको फुली सपोर्ट भी कर रहे हो, उनको समझाओगे भी, हैंड होल्डिंग भी करोगे और उनकी प्रिपेयरनेस में भी उनकी हेल्प कर सकते हो. सो आपका फोरम आई थिंक बहुत आइडियल है SACP का कि हमारे यहाँ इनोवेशन को इनकरेज करे. और आखिरी बात आज के सेशन की हम करते हैं और फिर आपसे इजाजत भी लेते हैं और आपके आने का भी शुक्रिया अदा करेंगे. हमारा जो मुल्क है वो काफी चैलेंजिंग टाइम से गुजरता है, मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं हमारे, फ्रॉम सोशल टू इकोनॉमिक टू. इस सब का एक नुकसान ये हुआ कि हमारे लोगों ने इनोवेट करना छोड़ दिया, राइट. और उनके यहाँ जो सबसे बड़ा डर है, वो फियर है, वो है हार जाने का या लूज करने का, राइट. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में फेल होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर सकते. नहीं, तो आए और फेल भी हो आए, लेकिन आए जरूर. देखिए, फेल होने का भी ये मतलब नहीं है कि आप यूर लूजर. यस, फेल होने का ये मतलब है कि जो आप आइडिया लेके आए हैं उसको शायद आपको डिफरेंट तरीके से करना है. डिफरेंट वे में भी. सो बीइंग ओपन टू इनोवेशन का एक फ्लिप साइड ये भी है. True. कि आप अपनी जो क्वेश्चन थिंकिंग है उसको भी क्वेश्चन करें, कि हो सकता उसको भी इनोवेट करें, उसको भी इनोवेट करें. सो माइंडसेट हैज टू बी डिफरेंट. जो हमने सोचा है और हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो उस कस्प पे आई है जहाँ टेक्नोलॉजी, हमने वो भी टाइम देखा है जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अब हम वो टाइम देख रहे हैं जब टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में हर जगह पे है. बिल्कुल हर जगह. ठीक है. मतलब हम वो बच्चे नहीं है कि जिन्होंने जो मोबाइल फोन लेके पैदा हुए थे. अभी के बच्चे तो मोबाइल फोन हाथ में लेके लगता पैदा होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है. एक आखिरी बात कर दें क्योंकि इस्लाम टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है. शरिया कंप्लाइंट, ये एक बड़ा कंसर्न है और बड़ा इंक्रीजिंग कंसर्न है और बड़ा जेन्युइन कंसर्न है. वी डू अप्रिशिएट. तो इसमें आपके जो रेगुलेटरी कोहोर्ट है, सैंडबॉक्स है, इसमें अपॉर्चुनिटीज इस्लामिक फाइनेंस वालों के लिए भी अवेलेबल है. डेफिनेटली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने मुर्तजा रेज किया. हमारा जो फोकस एरियाज जो हमने दिए हुए हैं सैंडबॉक्स के, उसके अंदर कन्वेंशनल फाइनेंस तो है ही, ठीक है. दूसरा फोकस एरिया इज इस्लामिक फाइनेंस. ऑलराइट. एंड द थर्ड फोकस एरिया इज वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन. वुमेन इंक्लूजन. दीज आर द थ्री फोकस एरियाज जिसके अंदर हम इनकरेज करते हैं. एंड नॉट विद स्टैंडिंग के मैं इनकरेज करते हैं तो हम बाकी कुछ नहीं कंसिडर कर रहे. वी कंसिडर एवरी आइडिया बट दीज आर द एरियाज दैट वी फोकस ऑन मोर. Focus on more because we want more inclusiveness in our society. Yes. More diversity which is more required right now. और Islamic finance का तो scope भी बहुत ज़्यादा है. मेरा ख़्याल है as a population और हमारी population बहुत interested in these Islamic products. तो हमारे entrepreneurs को भी उन पे सोचना चाहिए और अंदाज में आना चाहिए. So thank you so very much. आज की discussion आपके साथ बहुत ही अच्छी रही और हमने कोशिश की कि आपने बहुत अच्छा explain किया सादे लफ्ज़ों में. और हमारे जितने सुनने वाले हैं अगर वो इस सारे प्रोग्राम को सुने और कोई भी आपका क्वेश्चन हो
तो आप आमना का ऑफिस है, SECP का ऑफिस है, मैं एक दफा ईमेल रिपीट कर देता हूँ, sandbox@secp.gov.pk, अपने आइडियाज को वहां लेके जाइए, इनके पास टेस्ट कराइए, ये आपको हैंड होल्डिंग भी करेंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, प्रॉबेबली गाइड करेंगे, जो कुछ आप घर बैठे सोच रहे हैं हो सकता है दुनिया वैसी नहीं है, बहुत कुछ आपको इनसे सीखने को मिलेगा और मोस्ट लाइकली आप लोगों को भी बहुत सारे नए आइडियाज मार्केट से सुनने को मिलेंगे. सो लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड लेट्स वर्क फॉर अ प्रॉस्परस पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़.